है याद आएंगे ये पल पल याद आएंगे पल। अब यहाँ पे व्हाइट रिकॉर्ड पे साइन सेरेमनी हो रहा है यहाँ पे ग्राउंड के पास, ये देख लीजिए, देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे सब साइन कर रहे हैं, सब अपना अपना मेमोरी शेयर कर रहे हैं, अपने अपने अप्रोच पे चुन चुन के लिखूंगे, सब चुन चुन के अपना बदला ले रहे हैं, पीठ पीछे बुराई लिख रहा है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस आज का सीन ये है कि अभी हम लोग का कॉलेज में मतलब 28 बैच सीनियर मोस्ट हम लोग का बैच यही है 28 बैच। आज भैया लोग का लास्ट डेट था ड्यूटी का, इंटर्न आज इन लोग का कंप्लीट हो चुका है, आज इन लोग का लास्ट डेट था ड्यूटी का, उसके बाद इन लोग का फेयरवेल होने वाला है, डिसाइड होगा वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो आज इन लोग देखिए सारे लोग भैया और दीदी लोग एक दूसरे के एप्रन पे साइन कर रहे हैं और मेमोरी शेयर कर रहे हैं कि उनके साथ कैसा था पूरा साल, कैसा रहा पूरा मतलब 6 साल जो कल बिताए एक दूसरे के साथ, सारे लोग यहाँ शेयर कर रहे हैं। भैया और दीदी के पीछे में जो भी एप्रन के पीछे लिखा गया है हम आपको दिखाएंगे और देखिए कितने मतलब एक खुशी का पल है, यही है खुशी का पल। मतलब कभी हुआ नहीं था ये, है ना, पहली बार हम लोग शुरू किए पर अच्छा लग रहा है, टाइम स्पेंड सम गुड मेमोरीज। बहुत अच्छा लिखा हुआ है भैया ये जा लिखी है, ये शराब है कि नोटिस से समझ नहीं आ रहा ठीक है, दीदी रोने लग गई दीदी लिखते लिखते रोने ये देखिए इंदिरा दीदी का पीछे थोड़ा जगह छोड़ना मेरे लिए भी, तुम लिख लो मैं क्यों अंदर है भाई, अंगिरा दीदी का देखिए पाँव लिखेगा इससे लिखो उससे दिखेगा ना, हाँ इससे दिख रहा है, साफ साफ लिखो कर से नहीं करो लिख रहे थे ये पता ही नहीं चलेगा इतना भैया हमारे को बोल देते हैं।
जल्दी कूदो बड़ा बड़ा अरे ये दाग दाग नहीं दिलो Going to bat. कुछ भी अपने दोस्त के लिए अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए आप क्या बोलेंगे यहाँ पे एनएच का सबसे सबसे बेस्ट बैच 28 बैच बेस्ट ऑर्गेनाइजर कुछ भी प्रोग्राम हो बेस्ट ऑर्गेनाइजर बॉयज गर्ल्स सब मिलके एक साथ काम करने वाला बैच है ये एंड 6 मंथ्स बाद सच्ची में सब के सब आने वाले हैं यहाँ पे वाओ ताले ताले आफ्टर 28 बैच दिस इज योर ऑर्डर फॉर साइन डाय समझ नहीं क्या बोलो जर्नी ऑफ 6.5 ईयर कम टू एन एंड ये दोस्त लोग बहुत याद आएंगे अबे नहीं बस बस कुछ कहना नहीं चाहता हूँ चलिए भैया बोलिए एनएच में आना इजी है जाना नहीं इंडिया जहाँ पे जाएगा 28 बैच 28 बैच का नाम रोशन करेगा एनएच बॉयज का यूनिटी हमेशा हमेशा याद रहे चलिए आप मिलेंगे हम आपको फेयरवेल के दिन हम लोगों ने जो पुराने एरा था और न्यू एरा जो आ रहा है हम लोगों ने दोनों को कंपाइल वाला जो सेशन है वो हम लोगों का था 2016 से 2023 दिस वाज द बेस्ट इनिंग्स ऑफ आवर लाइफ अच्छा जूनियर को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप जूनियर को ये मैसेज देना चाहते हैं कि घूमना घूमने से थोड़ा सा ज्यादा थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दो नहीं बिल्कुल नहीं मत इधर ये पढ़ाई सढ़ाई होता रहेगा ठीक है हर एक दिन मस्ती करो एंजॉय करो ठीक है बीच में पढ़ते रहो दिक्कत नहीं है पर मस्ती करना जरूरी है ठीक है मेडिकल मस्ती मैं हमेशा ही किया I will miss everyone and I think this is the best batch ever of NIH. That's all. बोलो हाँ तो कुछ लोगों की याद आएगी वैसे सबकी याद आएगी कुछ लोगों की अच्छे से याद आएगी क्या बोलोगे बारे में ये जर्नी स्टार्ट हुई थी 2016 नवंबर से स्टार्ट हुआ था लॉट्स ऑफ गुड मेमोरीज बहुत सारी अच्छी मेमोरीज और हमारे बैच का ये जो यूनाइटेड 28 बैच हमेशा मतलब मिस करूँगा कहीं भी रहूँगा लेकिन यूजी लाइफ आई ऑलवेज मिस
हम लोग को मिस मत कर, हम लोग को मिस मत करना क्योंकि हम लोग आ रहा है फिर से एमडी में। हम रहे या ना रहे याद आएंगे ये पल पल याद आएंगे ये पल। सलीम भैया, सलीम भैया जूनियर के लिए मैसेज दीजिए आप। जूनियर का मैसेज, जूनियर से क्या एक्सपेक्ट करते हैं और क्या कहने के लिए कहते हैं? सिंगल मत रहना, सिंगल नहीं, कॉलेज लाइफ एंजॉय करना, सब कुछ करना, ठीक है, बस टाइम टू टाइम यही बोलूंगा जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है हर चीज कॉलेज लाइफ। एक बार मिलेगी बार नहीं मिलेगी, एमडी पता नहीं क्या होगा, कौन कहाँ होगा, नहीं नहीं कुछ भी, और नहीं 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 सबसे पहले यार ये यहाँ पे प्लीज ज़ूम किया जाए प्लीज। और कौन है, और कौन है? बोले।